जिंदगी, कामयाबी, नाकामी, खुशी, गम और उतार चढ़ाव का नाम है। हर इंसान का अपने तजर्बात के लिहाज से अपना नजरिया हो सकता है। कोई खुद से खुश है तो कोई अपने ही अंदर उलझा हुआ है। कोई अपने ही साए से डर जाता है तो कोई जान की परवाह किए बगैर जिंदगी की आजमाइशों से लड़ जाता है। कोई वक्त के आगे हार जाता है तो कोई वक्त को अपना बना जाता है। और फिर अगर हिम्मत और खुद पर थोड़ा यकीन हो तो हर मुश्किल के बाद एक कामयाबी है, और यही तो जिंदगी है। जी बिल्कुल 100%। उसकी वजह यह है कि जैसे भी हालात होने चाहिए ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए उसके, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं जिनसे वो उसको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ अब अच्छी है। तो मेरी लाइफ में यह है कि मेरे जो रिलेशन हैं मेरे क्लोज वंस के साथ वो अच्छे हों और मेरा करियर अच्छा हो। जी नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं। क्यों? आप जानते हैं ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है। हम इस दुनिया में आए हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी बसर करें और उसकी तरफ लौट जाएं। पर आप जानते हैं इस दुनिया के लोग, उन लोगों में हम भी शामिल हैं, बट ज़्यादातर लोग हमें जीने नहीं देते। लेग पुलर्स होते हैं, रुकावटें डालते हैं हमारे रास्तों में ताकि हम अपना गोल अचीव ना कर सकें। ज़िंदगी उसने सही नहीं गुजारती भी, परेशान हूँ, मुश्किल है। कोरोना वायरस के बारे में जिंदगी सोचा को जाए सजाए मास्क पैस वैसे गरीब लोग सारे ना लगी थे क्या थी से डाटा तंग हूँ। मैं इस वजह से अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से जो मांगा मुझे मेरी तवक्को से बढ़ कर मिला, तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। हम काम करते हैं, हम गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं, हमारे बारे में कौन सोचेगा। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि ये ऐसी मुश्किलात हमारे पास आएगी, हमारी ज़िंदगी में आएगी। लेकिन इमरान खान को चाहिए गरीबों के बारे में सोचे, उनकी मदद करे, उनका ख्याल करे, कोरोना वायरस का इलाज ढूंढे, सारे पाकिस्तान के मुश्किलात को हल करे। मैंने कई दफ़ा सोचा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ और अपने आप को मार दूँ। मुझे यकीन है कि जो अब मिला है इससे बढ़कर मुझे मेरे फ्यूचर में मिलेगा, या मेरे आने वाली जो कल है उसमें मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन तो है। जो मेरे रिलेशन्स हैं मेरे क्लोज वंस के साथ वो अच्छे हैं, मतलब मेरी फैमिली मुझसे खुश है और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी लिमिटेड हैं, लेकिन उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और करियर की बात करूँ तो उसमें ये है कि आई हैव ग्रिप ऑन माई सब्जेक्ट और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके मेरा करियर अच्छा होगा एंड कि मैं फील्ड में अच्छा काम कर सकूँ। तो जैसे हम बुरे वक्त में अल्लाह ताला को याद करते हैं, जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो इंसान अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि या अल्लाह के ये ख़त्म कर दे, ये जो हम पे आफत आई ये ख़त्म कर दे। तो ऐसे ही अच्छा जब वक्त आता है इंसान पर तो अल्लाह ताला को फिर भी याद करना चाहिए, हर वक्त में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा बुरा वक्त तो इंसान पर आता रहता है, तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और मैं तो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। तो उसकी वजह से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रह पाते, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं, जिससे वो अक्सर आप जानते हैं 10% 5% लोग अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथ से ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए मैं तो अपने आप को ऐसे समझता हूँ कि मैं उन 40% लोगों में शुमार होता हूँ जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। तल्ख बहुत बंदा है मजदूर की औकात, मैं अपने मुल्क के लिए अपना हिस्सा दे रहा हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आता। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने हलाल की कमाई करता हूँ, मेरे हाथ कुछ नहीं आता।